15 साल से जिस तरह मियां आतर साहब ने कहा कि अपना चैनल से मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगाज किया, उस वक्त पंजाबी चैनल था, तो जियो के बाद पंजाबी चैनल जो अपना था वो बहुत शौक से देखा जाता था। और मेरा ख्याल है कि टोबा टेक सिंह की अगर एक बुलेटिन में 10 खबरें हैं तो उसमें 3 खबरें 2 खबरें टोबा टेक सिंह की लाजमी होती थी, लेकिन उसका क्रेडिट जो है वो मियां रशीद अंजुम को जाता है, क्योंकि इसने उस वक्त से लेकर आज तक मेरा साथ दिया है। मैं इसका बहुत मशकूर हूँ कि मुश्किल वक्त में भी मैं समझता हूँ कि एक घर को चलाने के लिए कितने अखराजात होते हैं, लेकिन इसने महदूद अखराजात में रहते हुए अपने आप को सरवाइव किया। और मेरे साथ आज मेरा ख्याल है टोबा टेक सिंह में मियां रशीद अंजुम के बीसीओ जो शागिर्द हैं वो भी पैदा हो चुके हैं, जिनके पास कैमरा होता है और मुख्तलफ अपने चैनल्स के लिए काम करते हैं। असद हफीज साहब हैं पीरमाल से, ये मेरे बहुत पुराने साथी हैं, जिस तरह आतिफ साहब और टोबा टेक सिंह में ये कहना हक बजानब होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बुनियाद जब रखी गई तो टोबा टेक सिंह में सबसे पहले टोबा टेक सिंह में मैंने रिपोर्टिंग का आगाज किया और पीरमाल में मेरे साथ मियां असद हफीज थे, ये उस वक्त से मेरे साथी हैं। मैं इनका भी आप खताब सुनेंगे, लेकिन मैं मौजूद मेहमानों की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो केक काटें। काफ़ी लोगों से मेरा तारुफ नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा। दुनिया न्यूज़ के हवाले से, दुनिया न्यूज़ जैसे पहले बताया गया कि लगता नहीं है कि ये सिर्फ 9 साल पुराना है। मैंने भी चौधरी को पूछा, उसे दोबारा पूछा कि जी ये 9 साल ही पुराना है, तो उन्होंने कहा हाँ जी 9 साल ही है। तो इतना आगे बढ़ चुका है दुनिया न्यूज़ चैनल के, वाकई लगता नहीं है कि कोई नया चैनल है, कोई 10 साल की न्यूज़ है, लगता ऐसा ही है कि बहुत पुराना चैनल है। बाकी मीडिया के हवाले से जी, मीडिया के जो लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो बेसिकली तो हमारे मुआशरे की आँखें और कान हो गए, और आप तमाम लोग अच्छा रोल प्ले कर भी रहे होंगे। और मेरी मेन गुजारिश ये है कि जो मुआशरे की बुरी चीज़ें होती हैं वो तो हम ज़रूर देखते हैं, बट अगर कहीं मुआशरे में कोई अच्छी चीज़ हो रही है, चाहे वो सरकार कर रही है या इंजीनियर कर रहा है, उसको भी ज़रा सामने लाया जाए, ताकि लोगों को देखने वालों को सिर्फ ये ना लगे कि ये मुआशरे में सिर्फ बुरा ही काम है जिसको मोस्टली मीडिया हाईलाइट किया जाता है। तो मेरी गुजारिश तमाम से ये होगी कि जो भी सोसाइटी में कोई आम आदमी या सरकारी लेवल पे कोई भी अच्छा काम जो आपकी नज़र में है, उसको भी ज़रा अच्छी तरह हाईलाइट किया जाए, ताकि वो भी तमाम आवाम जो टीवी देखने वाले हैं, मीडिया को देखने वाले हैं, उनको सामने आए। और जो नेगेटिविटी चीज़ें हैं वो तो ज़रूर आनी चाहिए, उसी के पे जो है ना वो लोग भी ठीक होंगे, सरकार भी काम करना शुरू कर देगी। तो मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं दूंगा, बहुत मेहरबान है, थैंक यू। काफ़ी बात हो चुकी है कि बातों के अलावा फीडबैक भी इसी तरह के आवाम बेहतर जानते हैं इस पर कि दुनिया टीवी चैनल और दुनिया न्यूज़ ठीक कर मुझे 9-10 साल पुराना चैनल नहीं लगता। बहुत कम अरसे में जो है टॉप जो है चैनल में उन्होंने अपना अपनी जगह बनाई, और उसके लिए जो खालिद साहब ने ख़ास तौर पे अपने कैमरामैन का शुक्रिया अदा किया। मैं समझता हूँ कि ये सामने तो कुछ चेहरे होते हैं इदारों में जो नज़र आ रहे होते हैं इदारों को बनाने के, पर कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो जिसको कहते हैं मैन बिहाइंड द गन, जो पीछे छुपे होते हैं, उनका भी उतना ही रोल है जितना कि सामने नज़र आने वाला। तो बेशक ये टीम वर्क साथ ही डेडिकेटेड एफर्ट की वजह से है, पर मेरे ख्याल में जो मुश्किल काम है वो भी शुरू हो रहा है। किसी भी इदारे की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम ये है कि अगर वो कोई अपनी रेपुटेशन बना ले तो उसको बरकरार रखना है। दुनिया न्यूज़ या दुनिया अखबार जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, मेरे ख्याल में अब ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है कि ज़िम्मेदारी के साथ जो है सहाफत करें या जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करें, क्योंकि कोई एक चीज़ इतने बड़े इदारे के साथ अगर कोई जुड़ जाती है तो वो 9-10 साल या 15-20 साल की मेहनत को एक मिनट में ही ख़त्म कर सकती। तो अब जो है मैं समझता हूँ ज़्यादा मेहनत वाला और ज़्यादा जिम्मेदारी का जो फेज़ स्टार्ट हो गया है,
मैं आज दुनिया न्यूज को, चूँकि ये उसकी सालगिरह के हवाले से है, तो मैं तमाम स्टाफ को, तमाम रिपोर्टर और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और नेक ख्वाहिशात के साथ। बहुत शुक्रिया।